तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अशोक राय ब्लॉग पे। तो गाइस, आज छोटा सा ब्लॉग अभी मैं बनाने जा रहा हूँ, मिनी ब्लॉग। सो मैं अभी आया हुआ हूँ कालिम्पोंग पाकाङ क्षेत्र पे। आगे का ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही थी गाइस। सो अभी छोटा सा मिनी ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ। देख सकते हैं इस तरह से पहाड़ की जगहों पर, और विभिन्न प्रकार से हम लोग अभी यात्रा कर रहे हैं। अब मैं आगे मैं दिखाऊँगा आपको ये डल्ले कोसानी, ये गोल गोल मिर्च का ये खेती यहाँ पर किया गया है। और हम इसी रास्ते से होते हुए अभी जा रहे हैं आगे का रास्ता के लिए। और ये देख सकते हैं ये अदरक की खेती यहाँ पर लगाया गया है। तो गाइस देख सकते हैं ये है पम्पकिन की खेती, यहाँ पर जोर दो से पम्पकिन की खेती की गई है। और आगे में फिर से देख सकते हैं गाइस, ये डोले कुसानी ये मिर्च की खेती की गई है। और ये इलायची का बागान, यहाँ पर इलायची का फार्मिंग यहाँ पर किया गया है। तो फाइनली गाइस हम अभी पहुँच चुके हैं चर्च में। देख सकते हैं ये है सुंदर पाकाङ का चर्च। और ये अंकल और भैया वगैरह यहाँ पर फोटो वगैरह ले लिया है, वो लोग पहले ही पहुँच चुके हैं। तो हम लोग थोड़ा सा लेट हुआ हम लोगों को आने में। और ये सुंदर चर्च, और ये हम लोग की गाड़ी गाइस। इस गाड़ी से होते हुए हम लोग जाएंगे फिर से अपने घर की ओर। तो फाइनली गाइस हम अभी निकल चुके हैं पाकाङ के एरिया से। सो हमारे साथ अंकल और एक भैया है। सो उन लोगों का स्कूटी आगे में है। सो हमारे साथ वो कुछ पल के लिए हमारे साथ इस रूट पे, इस यात्रा पे है। देख सकते हैं गाइस यहाँ पर किस तरह से फुगी लगा हुआ है, जोर तोर से फुगी लगा हुआ है यहाँ पर। तो गाइस ये है अंकल जो अपने स्कूटी से यहाँ से अपने घर की ओर जाएगा। सो हम अभी हैं कफेर के इस ब्रिज पे। देख सकते हैं ये ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन पे है। ये ब्रिज के ऊपर हम लोग अभी जा रहे हैं। और ये आगे में देख सकते हैं गाइस किस तरह से यहाँ पर रास्ता खोद के बनाया जा रहा है। सो फाइनली गाइस अभी हम पहुँच गए हैं लोले गाँव के एरिया पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर फोगी लगा हुआ है, सो उतना क्लियर अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो हम इसी रास्ते से होते हुए अभी जाएंगे अपने घर की ओर। तो गाइस थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ पर अभी रुके हुए हैं क्योंकि भैया थोड़ा सा सामान लेने के लिए अभी उतरा हुआ है। सो मैं अभी वेट कर रहा हूँ। देख सकते हैं पीछे में बहुत ज़्यादा फोगी लगा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सुंदर दृश्य, सुंदर नज़ारा दिखाई देगा, लेकिन अभी फोगी के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सो गाइस हम अभी फिर से अपनी यात्रा पर हैं और देख सकते हैं आगे में किस तरह फोगी लगा हुआ है। कुहासा का कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सो आज शाम हो चुका है और शायद मैं अभी गांव तक नहीं पहुंच पाऊंगा क्योंकि अभी लोले गांव पे ही हैं हम लोग। और देख सकते हैं अभी शाम हो चुका है और फोगी के कारण अभी उतना क्लियर नज़ारा नहीं दिखाई दे रहा है। सो आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था गाइस। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग पर, तब तक सबको बाय बाय। पाकाङ चर्च है यो चाहिँ। यो किचन पास्टर लज होमस्टे वगैरह वगैरह के के छ। हाम्रो साथीहरू आउनु हुँदैछ ग्रिटिङ गरेर। डब्लिङ यता देखिने चाहिँ ओद्लाबारी साइड पऱ्यो। बुधबारी साइड हाम्रो अशोक सर, समीर सर, वरुण एल्बो असिस्टेन्ट भाइ फेरि हो यतापट्टि एउटा राम्रो खिचेर मलाई भयो।